कितनी बार और आप मेरी परीक्षा लेंगे भगवान? इंसान को आप कठपुतली समझते हैं? आज सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा होगी। आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मेरे जीवन में सिंदूर का क्या अस्तित्व है, आपको वो बताना होगा। इस मांग को सिंदूर लगाने का हक है या नहीं, आपको मुझे ये बताना होगा। मेरा पति, मेरा ध्रुव जिंदा था, मैं तो इस बात से अनजान थी भगवान, लेकिन आप तो जानते थे, आप तो मेरा हाथ रोक सकते थे। मैंने अपने जीवित पति का पिंड दान कर दिया, अरे आप तो अपनी बेटी का हाथ रोक सकते थे। आज मैं आपकी खामोशी तोड़ कर रहूंगी। अरे जब भगवान भैरा और गूंगा हो जाता है तो इंसान उसकी भक्ति क्यों करे? आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आज मैं सिद्ध पर अड़ गई हूं, आज एक इंसान और भगवान के बीच हक की लड़ाई छिड़ गई है। अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं आपकी भक्ति छोड़ दूंगी, भक्ति छोड़ दूंगी, भक्ति छोड़ दूंगी। भगवान पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। मैंने अपनी हथेली पर रखा है और आपकी परिक्रमा करने जा रही हूं। परिक्रमा करते करते 108 बार महामृत्युंजय का जाप भी करूंगी। आज आप चाहे अपनी तीसरी आंख खोलकर प्रलय मचा दे, मेरा प्रण नहीं टूटेगा, मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। आज मैं आपकी खामोशी तुड़वा कर रहूंगी, आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मेरा जाप पूरी तरह खत्म होने से पहले अगर ये दिया बुझ गया तो मैं आपका संकेत समझ जाऊंगी, समझ जाऊंगी कि मेरा ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर ये दिया नहीं बुझा तो मैं समझूंगी कि मेरे ध्रुव की जीवन ज्योति अब तक नहीं बुझी। मेरा ध्रुव जिंदा है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वही मेरा ध्रुव है, वही मेरा ध्रुव है, वही मेरा ध्रुव है, वही मेरा ध्रुव है। पेशेंट को होश आ गया है।
प्लीज हैरी, आप सब लोग अंदर नहीं जा सकते। पेशेंट को अभी अभी होश आया है, उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। मैं आप सब लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। मिस्टर रायदादा, आप और आपकी वाइफ उनके पास जा सकते हैं। ये वो सामान है जो हमें एक्सीडेंट साइट से डेड बॉडी के आसपास मिला था। फॉरेंसिक लैब से मंगवाया मैंने, आप लोग जरा देख लीजिए, शायद इसको देखने से हमें डेड बॉडी को पहचानने में कुछ मदद मिल सके। बुरी तरह जली हुई चीजों को देखकर हम कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। हे भोलेनाथ, वेदिका के और सिर्फ 5 परिक्रमा बाकी है। मेरी बेटी का भरोसा मत तोड़ना। आज वो आपकी परीक्षा ले रही है। भगवान को इंसान की ली हुई परीक्षा में पूरा उतरना होगा। आज आपको उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। भगवान, ये पेंडेंट अब हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा ध्रुव है या करण। अब हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। हे भगवान, आप धन्य है, आपने अपनी खामोशी तोड़ दी है। निहारिका, वो मेरा ध्रुव है, वो मेरा ध्रुव है।
वही पेंडेंट है जो मैंने कुछ दिन पहले करण को पहनाया था। यानी करण इसका मतलब करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा ध्रुव जाना मुझे ध्रुव आपका बेटा। हाँ मम्मी जी ये सच कह रहे हैं यही हमारे ध्रुव है। पेशेंट को अभी अभी होश आया है, आप लोग उन्हें इस तरह से थकाइए मत। उनके लिए किसी तरह का स्ट्रेंस या स्ट्रेन ठीक नहीं होगा। प्लीज लेट हिम रेस्ट। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और ये बात तो भगवान भी जान गए। वेदिका, हम दोनों एक दूसरे के बिना तुम्हारे प्यार की ताकत है कि मैं मौत के मुंह से बचा है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी दी हुई अमानत संभाल कर नहीं रख पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। उर्वशी डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, सिस्टर कितने चले गए। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, अब आप लोग अंतिम संस्कार कर सकते हैं। चलिए करण का अंतिम संस्कार कर लीजिए। रुद्र, अंतरिक्ष, चलो अपने पापा को ले चलो। कविता, करण का अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। वीरे, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मां, करण को ना तो मैंने कभी अपना भाई माना था
और ना ही मेरा दिल कभी मानेगा। हाँ माँ, जिसने आप पर गोली चलाई थी उससे ना तो मेरा खून का रिश्ता है और ना ही दिल का। माँ, जिसने आपका खून बहाया है उसे हम कोई भी हक देने को तैयार नहीं है। हाँ, उसने मेरा खून बहाया, पर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो भी मेरा ही खून था। तुम दोनों मुंह मोड़ रहे हो, लेकिन इस सच्चाई से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते कि वो तुम्हारा भाई था। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, तुम्हारा भाई था। और आज, आज वो मर चुका है और उसका मृत शरीर अग्नि मांगता है। बहन, आप तो उसके पिता हो, तुम दोनों उसे भाई मानने से इनकार करते हो। आप उसे बेटा मानने से इनकार करते हो, पर ये माँ, ये माँ अपने बेटे का अंतिम संस्कार खुद करेगी। नहीं दीदी, आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हो, आप एक औरत हो। हाँ, मैं एक औरत हूँ और एक माँ बनने का नसीब भी भगवान ने औरत को ही दिया है। एक औरत अगर इस दुनिया में नई जिंदगी ला सकती है तो फिर एक बेजान शरीर को इस दुनिया से विदा भी कर सकती है।